उनके लिए। यहाँ तक चला तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं खजुराहो पहुंच चुका हूं। आज मेरा खजुराहो में तीसरा दिन है। तो आज मैं फिर से कहीं घूमने जा रहा हूं जिसका नाम है कुटनी डैम और मेरे घर से वो 10 किलोमीटर है। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ और फिर आपको फिर वहीं पर रास्ते क्लिप वगैरह मिल जाएगी और फिर मैं वहीं पर ही मिलता हूँ आपको। तब तक के लिए आगे की वीडियो को एंजॉय करें। तो चलते हैं फिर। पेट्रोल पंप के पास पहुंचने वाले हैं। तो डलाते हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल, आपको बताते हैं कि कितने का डलाया कितने डलाया। आई थिंक 500 रुपये तक का डल जाएगा तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से पूरा। तो हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप की चल रहे हैं अंदर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इंटर कर रहे हैं। देख ही रहे होंगे आप, यहाँ पे अच्छा खासा व्यू दिखाया गया है। ये हमारे साथ हमारा फ्रेंड कम दोस्त, ये हमारे लड़का है। ये क्या नाम है भाई तुम्हारा? बता अपना नाम। हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं अंदर। हम इंटर कर रहे हैं। ये क्या लिखा है? आपके पधारने का धन्यवाद, कृपया पुनः पधारें। अच्छा खोल लो यार, मस्त पूरा खोल लो। चल रहे हैं अंदर पे, आप देख पा रहे हो कितना अच्छा खासा व्यू आ रहा है। मस्त व्यू है यार। कैमरे से सारी चीज़ें देख पा रहे होगे अच्छे से। और यहाँ पे अच्छा खासा व्यू आया हुआ है, सारे लोग आते हैं यहाँ पर। और वो सामने पर बोटिंग होती है, और वो सामने बोटिंग होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप बोटिंग करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग का प्राइस 300 पर पर्सन रखा गया है। यहाँ पर सिटिंग के लिए बनाया गया है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बना हुआ सिटिंग के लिए। बस यहाँ पर नदियाँ वगैरह ज़्यादा हैं, और ब्रिज टाइप का छोटा सा बना दिया है यहाँ पर बैठने के लिए। एक बार मैं आपको वोटिंग के साइड पर भी ले चलता हूँ। यहाँ पर अच्छी खासी वोटिंग भी है जिसका चार्ज 300 रुपीज़ ये लोग पे करते हैं। चलते हैं वोटिंग की साइड, आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आवश्यक सूचना एवं अनिवार्य शर्तें राम बतवा GST, देख सकते हैं आप। शराब और पानी पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी वोटिंग का एरिया अच्छा खासा है, यहाँ पर आप अच्छे से आप घूम सकते हैं, वोटिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आपको डर ना लगता हो तो, मुझे तो यार वोटिंग से वगैरह से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ वोटिंग करने के लिए। और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ भी होती है, बट अभी इस समय कोरोना और ओमिक्रॉन वगैरह आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भीड़ वगैरह नहीं हो रही है ज़्यादा। तो यहाँ पर भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। और ये भाई साहब चले आ रहे हैं हम लोग को पकड़ने के लिए, लेकिन इनको नहीं पता कि हम लोग वोटिंग करने नहीं, सिर्फ घूमने ही आए हुए हैं। इसको वोटिंग करने का बहुत शौक़ है, बट मैंने ही मना कर दिया क्योंकि मुझे डर लगता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी लहरें हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी बोट्स रहती हैं। और यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म। आप देख सकते हैं यार ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है अभी से ही। और आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि ये देखिए बोट कैसे हिल रही है। इसी वजह से ही मुझे सब डर लगता है, बिकॉज मुझे तैरना भी नहीं आता है ना, तो मुझे डर लगता है कि मैं गिर गुर ना जाऊँ। देख रहे हैं आप यहाँ पर बोट वगैरह कैसे हिल रही, बट यहाँ पर यार मज़ा बहुत आता है। आप देख पा रहे होंगे व्यू कितना अच्छा आ रहा है, व्यू देख पा रहे होंगे। सिर्फ मैं व्यू ही दिखाने के लिए आपको सिर्फ बस यहाँ पे लेके आया था कि यहाँ का व्यू मस्त है, देख पा रहे होंगे। तो अब जाने का प्लान हम लोग का बन रहा है, तो हम लोग निकलते हैं। अब मैं आपको रास्ते की थोड़ी बहुत क्लिप दे दूँगा और फिर सीधा अब हम आपको घर पर ही मिलेंगे। रास्ते पर अगर कुछ रोकेंगे तो वहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा, बाकी घर पर ही मिलते हैं अब हम आपको। जी वही ऐसा ही हमारी हमने वोटिंग नहीं की हुई थी, तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं कल आ गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, वेट करिए इसके बाद और अच्छा ज़्यादा ब्लॉग आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, बाय बाय।